हम लोग चैप्टर टू का क्लास एट का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपोनेंट्स का लॉग को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, किसी चीज को सॉल्व करने से पहले उसका लॉग पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जब तक हमें बॉर्डर से पता नहीं होगा तो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जब से फिर हम लोग अपने आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से और हम लोग कुछ लॉस पढ़ेंगे। एक्चुअली लॉग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा चीज़ों आसान हो, है ना, कैलकुलेशन करने में। जैसे हम लोग इससे पिछली क्लास में पढ़े थे किसी चीज़ का प्रॉपर्टी लॉस, हम लोग पढ़ते क्यों है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग एक सिंपल स्टेप कर सके, हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर सके। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लॉस एक्सप्लेन, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम लोग सब इसको अलग एक्सप्लेन करते हैं। ए का पावर एन इंटू ए का पावर एन, साथ साथ देख पा रहे ए का पावर एन प्लस एन। तो बच्चों इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जब भी आपका जब सॉल्व करते हैं किसी कंडीशन पे, अगर आपको दो नंबर मिला रहेगा और उसमें अगर ये एक आने क्या मतलब इसका बेस हो गया, जैसे हम किसी में पढ़े थे अभी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है क्या है, एक पावर होता है और एक बेस का फॉर्म होता है। जब भी कोई भी दो नंबर का बेस आपका सेम हो और पावर आपका अलग अलग हो और बीच में उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, उस कंडीशन में हम लोग इतना बड़ा सॉल्व ना करके हम लोग सिंपली उसको पावर को प्लस कर सकते हैं। तो उस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर मेरे पास एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर टू का पावर थ्री लिखा इंटू टू का पावर स्क्वायर मीन्स टू लिखा, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो इस फॉर्म में आपका आ गया, इट मीन्स यहाँ पर आपका टू, आपका ये यहाँ भी बेस आपका टू है, यहाँ भी आपका बेस टू है, लेकिन इस कंडीशन में पावर आपका बिल्कुल अलग अलग है। तो हम लोग अगर नॉर्मली मेथड से जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन जब हम जब इसको पावर प्रॉपर्टी पढ़े हम सीधे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जब टू बेस सेम हो तो पावर का जोड़ रहे टू का पावर फाइव, है ना, सीधा फैसला आ गया। कम से कम आप ये स्टेप आप बच गए, अगर साफ साफ देख पाएंगे एक टू कितना बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, पांच बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, टू का पावर फाइव आया, है ना। तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आ रहा है, तो बस हम लोग प्रॉपर्टी या लॉ पढ़ने से क्या हो गया, हम लोगों को ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि आप कॉपी पे इसको लिख कर काउंट करने कोई जरूरत नहीं है, आप इसको मनी बन में भी कर सकते हैं। दोनों का बेस सेम हो गया, पावर में टी प्लस टू थ्री एंड टू है और बीच मल्टीप्लाई का साइन है और डायरेक्ट इसको टू का पावर फाइव कर दिए, फिर आप यहाँ पर जानते इतनी उसको पाँच का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आंसर में अगर सिर्फ आपका पावर नोटेशन में पूछ रहा है तो इतना काफी है, एग्जैक्ट आंसर निकालना था इसको पाँच का मल्टीप्लाई कीजिए, पुनः उसको पेयर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है, पेयर करेंगे आप इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टू इंटू टू इंटू टू एट हो गया, कभी भी हम लोग को इस टाइप में नहीं पढ़ना है कि मल्टीप्लाई टू इंटू टू फोर टू एट, इस तरह से नहीं करना। ओके, अगर ये टू है तो आपको ईजी लग रहा है ना, लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर होगा तो आप लोग इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग ये पेयर करके करते हैं। जैसे मल्टीप्लीकेटिव की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई या फिर प्लस में कहीं से अगर हम लोग प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता है ना। हम यहाँ पर ग्रुप करते हैं, टू को पांच बार है तो क्यों ना होते, एक चीज हमको हमेशा से पता है टू का पावर टू मतलब एट होता है, इसको एक ग्रुप कर दिए, है ना, और जब टू इंटू टू इसको फोर होता है एक ग्रुप कर दिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ एट फोर सा थर्टी टू, देखिए आपका सीधे सीधे बहुत ही जल्दी और आपका कैलकुलेट हो गया। तो आप क्या समझे, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया हो, दोनों का बेस सेम हो और पावर आपका अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट बेस को सेम लिख कर आप लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सर अगर मल्टीप्लाई नहीं हो, अगर वहाँ पर डिवाइड का साइन हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन है, हम लोग पावर करते हैं ऐड। ओके, जब अगर यहाँ पर माइनस रहे, सॉरी जब यहाँ पर जब आपका डिवाइड रहे तो उस कंडीशन पे हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस नहीं निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। आपको अच्छा पता है डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस में हम लोग हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जो आपका दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई करते हैं जब
दोनों का जब बेस सेम हो और पावर ऑफ अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हम लोग पावर को ऐड करते हैं। ओके, और कोई जरूरत नहीं है कि ये जो बेस है आपका हमेशा इंटीजर ही हो, कोई भी हो सकता है, डेसिमल में हो, इंटीजर हो, नॉन डेसिमल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमने थोड़ा डिस्कस किया था जो दोनों के बीच में जब डिवाइड का फॉर्म हो तो हम क्या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं 5 का पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो दोनों का तो बेस सेम है, पावर आपका अलग अलग है, तो बेस को कॉमन लेकर चुकी है, डिवाइड है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 3 और अब साथ से 5 का पावर कैंसिल हो गया 1। अब इसको ये करने कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों पड़े और हम उसको मैनुअली जाएंगे तो क्या करेंगे, 5 का पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 है, अब क्या करेंगे इसको, सर ये 5 4 बार 2 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 5 × 5, अब ये डिवाइड में सर इसका मतलब तो क्या होता है 5 × 5 × 5 होता है, आप इसको कीजिएगा 5 × 5 × 5 × 5, इसको डिवाइड में टोटल करते तो 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 × 3 कट गया, अब पर 1 बच गया। ये इतना सारा करने से हम लोग ने डायरेक्ट आंसर आपका निकाल दिए, है ना, शायद आप लोग समझ जा रहा लॉस पढ़ने का कितना फायदा होता है, मैंने तुरंत बताया किसमें माइनस करना डिफरेंस नहीं, तो आपको यहाँ लगा सर ये 4x3 आपको डायरेक्ट माइनस कर दिया, जो पहले उसको पहले लिखना है, जो बाद में उसको बाद में लिखना है, चाहे आगे पीछे कोई नंबर बड़ा हो छोटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा घुमा के लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 3 है डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4 है, तो इस कंडीशन में बेस सेम है तो पावर को माइनस करना है, तो क्या 4/3 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका डिविजर होता है और डिविजर तो नीचे जाता है, नीचे वाला है ऊपर आता है तो माइनस होता है। ओके, कुछ भी हो जो पहले इसको पहले लिखना है 3 − 4, ये नहीं देखना है कि सर उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, तो इसका आंसर क्या गया 5, आपको पता है प्लस है, प्लस माइनस हो गया, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस माइनस तो करना है, 4 − 3 1 तो होना है, तो मान लीजिए लेकिन साइंस का बड़ा है माइनस का, है ना, आप लोग डिजाइन में पढ़ते आए हैं −1। अच्छा बच्चों, चाहे आप लोग इसको इस रूप में ऐसा छोड़ सकते हैं चाहो, तब मैंने आपको तुरंत थोड़ा सा पहले बताया है जब भी किसी के पावर माइनस होता है इसका मतलब ये 1/5 होता है, अगर ये पावर 2 होता तो होल पावर 2 होता। ओके, आप लोगों ने इसका किसी वीडियो में प्रयोग देखा है, देखिए आप लोग कितने आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने दूसरा रूल समझ में आया होगा, अब हम चलते हैं तीसरा रूल पे। ओके, तीसरा रूल क्या कहता है, जब आपका देखो क्या साथ साथ पावर का भी पावर है, ए का पावर तो एम है लेकिन इसका भी होल पावर आपका है एम, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते ही है, जब भी हम लोग कोई चीज को ब्रैकेट से जब क्लोज करते हैं तो सिर्फ उसका इंडिविजुअल नहीं हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया 5 × 5 × 5। ओके, अगर हमारे पास −5 का पावर 3 है इसका मतलब क्या हो गया −5 × 5 × 5 करेंगे, नहीं ये आपका फिर गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्या है −5 है ना, सिर्फ 5 नहीं है, ये 5 के अलग से नहीं है, इसके मतलब आपको −5 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, −5 × −5 × −5, ये ऐसे हो गए। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता −5 का पावर 3 तो आप साफ साफ देख पाएंगे माइनस तो ब्रैकेट में नहीं है, सॉरी ब्रैकेट में नहीं है, ये 3 जो पावर सिर्फ 5 के लिए है, तो इस कंडीशन पे आप माइनस को साइड में रखकर आप 5 × 5 × 5 कर सकते हैं, या इसको सॉल्व कीजिए माइनस से बच्चे आंसर आएगा। ओके बच्चों, चलिए आई होप आप तीसरा रूल भी अब तो एग्जाम्पल के रूप देख लेते हो। ओके, पावर का भी पावर क्या होता है, पावर का भी पावर ए का पावर एम तो है ही, इसका मतलब 5 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर 5 × 5 × 5 ये तो हमको करना ही है, लेकिन एक और चीज जुड़ गया एन, इन दोनों का पावर एन है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी पावर अगर मैं 2 कर देता हूँ इसका मतलब क्या समझे, अब थोड़ा देर भूल जाएंगे इसका भी पावर है, थोड़ा देर के लिए आप भूल जाएंगे अंदर में जो है उसका पावर है, बोलिए मान लीजिए एक टर्म हो गया, अगर ये थोड़ा सा इस फॉर्म में होता तो आप क्या करते हैं 5 × 5 करते हैं ना, बिल्कुल तो वही चीज है, तो 5 था तो 5 × 5
ये क्यूब था तो क्यूब क्यूब नहीं हुआ, क्यूब क्यूब हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 5 का पावर क्यूब है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखिए बच्चे यहाँ पे है ना, अगर ये सिर्फ 5 होता है, सिर्फ 5 होता है और सिंगल 5 ऐड करते, 5 की स्क्वायर है, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पर क्यूब आ गया है इसका मतलब क्या समझे, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, लो इसके बदले में 3 बार कर दिए है ना, अभी यहाँ तो मल्टीप्लाई है, अब इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका मतलब भी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो लो कर लिए भाई 5 × 5 × 5, और आप देखिए साफ साफ देखिए इसलिए वीडियो में पढ़े थे हम लोग, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला के कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 बार, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे, 6 है ना। और लेकिन अगर हम लॉ के थ्रू जाते तो देखते क्या होता है, जब पावर का भी जब पावर पावर का जब पावर हो तो ना पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इसका मतलब 5 का पावर 3 नहीं हुआ, तो बेस तो बेसी है और मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 6। देखिए यहाँ भी 5 का पावर 6 आ गया, यहाँ भी 5 का पावर आपका 6 आ गया। आई होप आप लोग इस लॉ को भी समझ गए होंगे, जब बेस सेम रहे, बेस का कुछ पावर हो और उसका भी होल पावर, ब्रैकेट में होल पावर हो, तो उस कंडीशन पे हम लोग बेस को लिखेंगे लिखेंगे और जो जो पावर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बच्चों, मैं कुछ आप क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है, आपको भी डाउट होगा तो लाइव आते ही है उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, उस एग्जाम्पल में दे देता आप लोग कुछ करने के लिए, आप लोग बिल्कुल ये वीडियो पॉज करेंगे बनाएंगे तभी वीडियो आगे बढ़ेगी। ओके इस वजह से हम लोग जानते हैं लाइव आते रहते हैं हम लोग, तो उसमें प्रॉब्लम बात करेंगे उसको डाउट को क्लियर करेंगे। ओके कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 2/5 का पावर 3 × 2/5 का पावर 4, इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके 3/7 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 3/7 का पावर 6, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 3/7 का पावर सॉरी 3/7 होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखना ये दोनों के लिए है, क्योंकि अगर सीधे नंबर होता है लिखने में आसान होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको हम लोग अगर सीधे 3/7 के स्क्वायर लिखेंगे तो बहुत अच्छा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों सही तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो हो सके ये स्क्वायर सिर्फ 3 का ही हो, है ना, इसको नहीं करेंगे, इसको ये गलती नहीं करेंगे, हमेशा इस फॉर्म में डालेंगे। और कोई चीज को अगर और कॉमन लिखने जब पर्सनल नंबर में तो हमेशा ब्रैकेट लिखने की जरूरत है, क्यों अगर 3/5 का पावर स्क्वायर लिख दिए, मान लें बहुत जगह किसी टीचर को समझ नहीं आया है ना, तो आप गलती भी कर सकते हो और बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो ब्रैकेट में दिया नहीं है आपने, इसका मतलब कोई भी समझ 3 का पावर स्क्वायर है, 5 का तो सर है नहीं, इसका भी इसको हम लोग हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे रेशनल नंबर में, और सीधे नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही नीचे तो फिर अगर समझेंगे कि यार काटने का तो चांस ही नहीं होता है ना। चलिए इसका होल स्क्वायर, अब चूंकि एक ब्रैकेट तो पहले ही ले लिया तो दूसरी ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट नंबर लिखा ना मेरे पास, और इसे एक ही ब्रैकेट नहीं लेते हैं ना, और ठीक चलिए इसको आप इन तीन क्वेश्चन का हम लोग वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं हमारा चौथा लॉ पे। ओके जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे, अगर आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हैं, एक बार आप मैनुअली पढ़ाइए जिस जो इसका बेसिक रूल है, और चाहे आप उसको लॉ का यूज करके भी आप लोग इनका बना सकते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं चौथा लॉ हमारा, इसमें क्या देखिए साफ साफ दिखता है, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, इसमें आपको क्या दिख रहा था, बेस सेम था पावर अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है, पावर सेम है बेस अलग अलग है, इस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम लोग करते क्या है, जो बेस है देखो ना हम लोग तो शुरू से पढ़ते जब किसी चीज का दो कॉमन हो उसके एक होल पे लिख लेते हैं, इसका मतलब दोनों को हम लोग पढ़ते हैं ना, 5 का पावर a 5 × 5b, तो पढ़ते थे दोनों 5 कॉमन तो लो भाई 5 निकाल लिए, सब यहां पे a + b बच गया, तो ये भी यही काम करेंगे, तो ब्रैकेट डाले हैं तो ab और का पावर n, अब क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहे आप लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं। ओके जब आपका जब पावर जब सेम होता है तो दोनों बेस को कॉमन लिखकर इसको एक कॉमन पावर दे सकते हैं,
एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर 3 है। अब जो सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब उसको पेयर करेंगे, 3 × 2 = 6 होगा, 1 6 आ गया भाई, 2 × 3 = 6, 1 6 और आ गया, 3 × 6 एक और 6 आ गया, इसका मतलब 6 × 3 = 12, तो 6 का पावर 3 लिख लिया। देखेंगे ना, अब देखिए हम लोग इतना बिना कुछ सॉल्व किए भी हम लोग लॉ पढ़ लिए, तो लॉ तो पढ़ते ही आसानी से होने के लिए हमारा, लो 6 का पावर 3 आ गया। तो देखो हम लोग लॉ से चलेंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। ओके, 2 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर 3। अभी हमने पढ़ा क्या इन दोनों का पावर सेम है, बिल्कुल सेम है। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर को कॉमन लेते हैं और जो बेस होता है अगर मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को डिवाइड करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आप सब कुछ पढ़े होंगे, कहीं भी आपको प्लस और माइनस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, इस चीज का भी दिमाग में ख्याल रखेंगे। ये सब जो होता है कभी भी एक्सपोनेंशियल जितने भी लॉ पढ़ते हैं कभी भी प्लस और माइनस के लिए एप्लीकेबल नहीं। अच्छा हो तो एक बार फिर से चेक करके देख सकते हैं क्या इन दोनों का पावर सेम है, बिल्कुल सेम है सर। लो पावर तो कॉमन कर देते हैं, 3 होल बना लिए, 2 × 3 = क्या हो गया 6 का पावर 3। क्या आंसर सेम आ गया, ये जब मुझे स्टेप था टाइम था क्या बच गया, बिल्कुल बच गया। ओके अब ठीक, देखो तक यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो बेसिस को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड को डिवाइड करेंगे, है ना। चलो डिवाइड है तो हम लोग डिवाइड करके ही देख लेते हैं। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं। ओके, ए का पावर एम है डिवाइडेड बाय बी का पावर एम है, इस कंडीशन में क्या दोनों का बेस सही, दोनों का पावर सेम है, तो पावर सेम रहते हैं हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। ओके, तो वो कॉमन लेते हैं, इसका मतलब क्या गया, पावर तो कॉमन हो गया। ये है कि बी नीचे है ना, बी आपका डिविजन है और डिविजन हमेशा नीचे रहता है, बिल्कुल। अब ये नहीं सर ये छोटा ये बड़ा नहीं, उस समय आप लोग बच्चों से डिवाइड पढ़ते रहे, डिविडेंड का हमेशा ऊपर रहता है, जो नीचे रहता है बाई वाला उसको तो डिविजन कर डिविजन करते हैं, और जो आंसर आता है कोसेंट करने का जो बच जाए तो रिमाइंडर, है ना। चलिए इसका पावर हो गया ए बाई बी का पावर एम। चाहे इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 2 का पावर 3 है डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है अच्छा से पता है, 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3। अब उसको फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं तो 3/1 भी कर सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे आपको अच्छा से पता है। कभी भी डिवाइड रेशनल नंबर में कभी डिवाइड नहीं करते हैं, उसको मल्टीप्लाई साइन रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता ही है। देखो ना 10 / 5 का मतलब क्या होता है 10/5 ही होता है ना, और हम लोग 5 को 10 से डिवाइड करें 5 × 2 = 10, ये भी करेंगे 5 × 10, तो एक्चुअल में ये इस तरह हम लोग पढ़ते ही है बाई 5 डिवाइड बाई 5, और इसको हम क्या पढ़ते हैं डिवाइड बाई 5, वो तो हमेशा नीचे होता ही है। ओके, 2 × 2 × 2, ओके इंटू 1/3 × 1/3 × 1/3, साफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 × 2/3 × 2/3, इसका मतलब 2/3 का बेस सेम हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई करें ना, इसका आंसर हो गया 3। इस कंडीशन में भी आपका आंसर यही आएगा। रूल से भी चलते देखो, बेस तो सर आपका सेम है तो लो बाय कॉमन लिख दिए, 2/2 है तो 2 ऊपर है, ये तो डिविजर है और हमारा तो मतलब नहीं है, ये डिविजर तो 2/3 आ गया। देखो तो क्या दोनों कंडीशन में ऐसे सेम आ रहा है ना, बिल्कुल आया है। ओके, अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक और लॉ है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये होता है अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो, कोई भी अगर वर्ड्स हो, अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। किसी चीज का पावर अगर 1 का पावर 1 है तो कम से कम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 है तो 5 करने का मतलब 5 का पावर 1 होता है सीधे। लेकिन अगर किसी भी नंबर का ही नहीं, किसी भी नंबर का अल्फाबेट का किसी भी चीज का पावर भी 0 है
तो उसका आंसर हमेशा वन आता है। ए का पावर जीरो आंसर वन, एक्स का पावर जीरो आंसर वन, फाइव का पावर जीरो आंसर वन, हंड्रेड का पावर जीरो आंसर वन, एक लाख का पावर जीरो आंसर वन, एक्स वाई दोनों का पावर जीरो आंसर वन। बच्चों आगे आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब ये तो है जिसमें अभी थोड़े एक्सप्लेन किए थे निश्चित पकड़ के, लेकिन फिर मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूं। ओके देखो, ये ए का पावर माइनस वन है, ए का पावर माइनस वन है। एक्चुअली जो माइनस होता है ना, इसका मीनिंग होता है कि यार कि वो आपका रेशियो टोकल है, वो आपके नीचे में करना है। क्योंकि ए का पावर जगह होता क्या है, अगर हमको अभी हमने पढ़े थे, अगर ए का पावर फोर है डिवाइड बाय ए का पावर थ्री है, इसको हम क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं, फिर फोर माइनस थ्री करते हैं ना, क्योंकि तो ये तो नीचे वाला था, इसको और तोड़ देते हैं, ए का पावर फोर है और ए का पावर थ्री है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार कॉपी जब कीजिए तो जाकर उधर माइनस थ्री हो जाता है, प्लस थ्री तो माइनस थ्री हो गया, वही काम हम यहाँ पर करते हैं। ओके, ये ए का पावर माइनस वन आया कैसे, कि ए का पावर वन ही तो है, क्योंकि ए का पावर ये वन है, ऊपर उस तरीके से ए का पावर माइनस वन हो जाता है। अगर टू होता तो माइनस टू होता, अगर थ्री होता तो माइनस थ्री होता। इट मीन्स अगर किसी भी चीज का पावर माइनस में है तो उसको हम लोग हमेशा रेसिप्रोकल करके ही लिखते हैं, उसको रेसिप्रोकल करना नहीं होता है, उसका मीनिंग ही यही होता है। अगर ए का पावर माइनस फाइव, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर फाइव, अगर आपका ए टू पावर और आपका वन बाई ए का पावर फाइव, इसका मतलब ए टू पावर माइनस फाइव, इसका मीनिंग ही यही होता है। और विशेष इससे ज्यादा मैंने आपको पिछले वीडियो में रेसिप्रोकल मैंने इसको बताया हुआ है। चलिए स्टॉप कीजिए, आपका जो भी एक्सरसाइज है सिंप्लीफाई कीजिए, आप जो सॉल्व कर सकते हैं। ओके बाय।